नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके पहले भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले एलसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया था, उसके बाद वेरीफाई किया था, बट यहाँ पर आगे का वेरीफाई नहीं करना है। बट वहां पर 2 ही नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर है, ये डिफरेंट है बस। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला हमने ले लिया जिसकी वैल्यू दिया है 12, 15 एंड 21 है, सबका निकालेंगे। 12 का हम फाइंड आउट करेंगे, 12 का आप यहाँ पे करते हो तो क्या होगा, 2 का 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, तो क्या आ रहा है 2 raised to power 2 into 3, यही आ रहा है। नेक्स्ट है 15 आएगा, 3 5 जा 3 into 5, यही आएगा, ओके और कोई है नहीं है। फिर उसके बाद से 21 भी 3 into 7 21, क्लियर, इस तरीके से निकाल दिया। उसके बाद आपको चाहिए एलसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, तो देखो कॉमन क्या है इसमें, 3 3 3, और कोई कॉमन नहीं है, सब पे सिंगल ही पावर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया, क्लियर। उसके बाद से एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा जो बाकी बच गए ये 2 raised to power 2 5 एंड 7, क्लियर, जो कॉमन था वो सिंगल लिखना है, बाकी सब में बचे हुए सबको इधर मल्टीप्लीकेशन में रख लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 2 2 4 है, 3 4 12 12 5 16, और 60 का 1 0 छोड़ के 6 6 7 42, 1 0 लगा देंगे, 420 एलसीएम हो गया, क्लियर। ये फाइंड आउट करने के बाद इस तरीके से ऐसे आपने बॉक्स में रख देना है, बेहतर लगता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे सेकंड नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। पहले सेकंड नंबर दिया क्या है, 17 23 एंड 29, ठीक है, समझ में आ रहा। अच्छा एक और चीज आप यहाँ पे देखोगे ना कि सब में एक फैक्टर होता ही है, एक फैक्टर सब में 1 होता ही है, 1 सबका फैक्टर होता है, और एक का फैक्टर 1 होता ही है, क्लियर, एक होता ही है। अब मान लो एक भी अगर इधर निकालते तो 3 1 3 होता, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी नंबर दिए हैं ना, ये सब के सब ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उनके फैक्टर क्या होंगे, 17 का देखोगे तो 1 into 17 यही होगा, और किसी के टेबल में आते नहीं। 23 का भी 1 into 23 एंड 29 का 1 into 29 होगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, कॉमन में क्या है 1 है, और कोई कॉमन में है ही नहीं, तो 1 होता है, ठीक है। किसी का एचसीएफ 0 नहीं आता है, ध्यान रखना, किसी का भी एचसीएफ 1 या 1 से ज्यादा होगा, कभी भी 0 नहीं होगा या माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर आ जाता है एलसीएम, एलसीएम में क्या है भाई, सब आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, अगर प्राइम नंबर होते तो सब आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, तो 17 into 23 into 29 क्या मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 23 में 17 का 1133, ओके 17 3 जा 51 5 आया, और 17 2 जा 34 34 एंड 5 39, ये आया। अब इसमें 29 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है, 9 1 जा 9 9 9 जा 81 81 का 1 8 कैरी, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 1 कैरी, और 2 3 जा 6 1 7, यहाँ 9 यहाँ 3 8 5 13 का 3, यहाँ कैरी नहीं है, 8 5 13 का 3, 1 कैरी इधर आया, तो ये हो गया 11 10 1 11 1 1 3 3 9, तो इसका आंसर क्या आ गया, 11 3 3 9 एलसीएम हो गए। अब इसको हमने बॉक्स में रख लिया, ठीक है, ये चाहो तो इस तरह ऐसे करके और अपने इसको मल्टीप्लीकेशन का पार्ट लिख सकते हो कि ताकि आपको आसानी रहे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्या दिया है, 8 9 एंड 25, क्लियर, 8 9 25, पहले 8 का फैक्टर निकालते हैं, 2 into 2 into 2, आप लिख सकते हो 2 raised to power 3, 9 का देखोगे तो 3 into 3 होगा, 3 का स्क्वायर,
25 का देखो ये तो 5 का स्क्वायर। कॉमन क्या है, सब में 1 होता है और कोई कॉमन है नहीं है, तो एलसीएम क्या हो गया 1, एलसीएम क्या हो गया इनका प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट मतलब यही आपस में 8 × 9 × 25 होता है 2 के बाद 2 जीरो है, 2 × 9 = 18 होता है, तो 18 लगा के 2 जीरो लगा दिया एलसीएम हो गया 25 × 200 ऐसे लिखेंगे और फिर बाद में 9 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 9 × 2 = 18 और ये 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया, तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें।